हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक नए शॉर्टलिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, JKSSV की तरफ से नया रिजल्ट निकाला गया है, उसमें कुछ यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट निकाली गई है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड पर आपको घंटी का आइकन मिलेगा उसे भी दबा लीजिएगा। जब भी मैं आप सभी के लिए नई वीडियो लेके आऊँगा वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप जहाँ पे देख लीजिए, JKSSV की तरफ से एक नई शॉर्ट लिस्ट निकाल दी गई है। दोस्तों, ये शॉर्ट लिस्ट निकाली गई है पैकेज फॉर कश्मीरी माइग्रेंट एंड नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित कैंडिडेट के लिए। अगर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया था तो आप इस सिलेक्शन लिस्ट को चेक कर सकते हो JKSSV की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर। मैं आप सभी को बता दूँ, आज फिर से एक नई सिलेक्शन लिस्ट निकाली गई है, यानी कि 30 अप्रैल 2021 को इसकी जो लिस्ट थी वो JKSSV की ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड की गई है। बिल्कुल नई शॉर्ट लिस्ट निकाली गई है। तो अगर आपका भी नाम इस सिलेक्शन लिस्ट में आ चुका है तो अब आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहले आप यहाँ पर अपना नाम चेक कर सकते हो इस सिलेक्शन लिस्ट में। अगर आप इस सिलेक्शन लिस्ट को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हो तो आप JKSSV की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना कर सकते हो। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहते हो, जो भी डेट आपको दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस डेट पर आपको जाना होगा। तो मैं आप सभी को बता दूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने जहाँ पर आपसे कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगा है। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी मांगी है, और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपकी मार्कशीट भी हो सकती है, कुछ भी 10th की मार्कशीट हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है। आपको डेट ऑफ बर्थ का मतलब प्रूफ देना होगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, जो कि जैसे कि SC ST OBC, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट पड़ा है वो भी आपको जरूर चाहिए, और डोमोसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने डोमोसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप जाकर बनवा लीजिएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। और साथ में आपको अदर डॉक्यूमेंट भी चाहिए, जैसे कि आपको एडवर्टाइजमेंट में बताया गया था कि ये सब आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होने चाहिए। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट वहाँ से देख लेना कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। और साथ में बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से भी दिया जाता है, या फिर आपको बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इशू बाय कंट्रोलर की तरफ से इशू किया जाता है, या फिर अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं उनकी तरफ से भी आपको दिया जाता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये सब डॉक्यूमेंट आप सभी को चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपका नाम इस सिलेक्शन लिस्ट में आ गया है तो। तो अगर आप देखना चाहते हो अपना नाम तो आप JKSSV की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।